जय जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे मुक्ति सहज में हमें कैसे मिले। मुक्ति पाना बहुत ही सहज काम है, लेकिन हम भ्रम में पड़े हैं। देखते हैं हम किस भ्रम में पड़े हैं। हमारे जीवन में ये तीन चीज़ें देखने में आती है, एक तो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। ये तीन चीज़ें दिखने में आती है। इनमें वस्तु और क्रिया ये दोनों प्रकृति है, और व्यक्ति रूप में जो दिखता है ये शरीर भी प्रकृति है, परंतु इसके भीतर में जो न बदलने वाला है यह परमात्मा का अंश है। अब अगर ये वस्तु क्रिया और व्यक्ति में नहीं उलझे तो ये स्वाभाविक ही मुक्त है, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश है। इसके लिए कहा है कि चैतन्य अमल सहज सुख राशि। यह चैतन्य है, शुद्ध है, मल रहित है और सहज सुख राशि है, महान आनंद राशि है। यह महान आनंद राशि अपने स्वरूप की तरफ ध्यान न देख करके संसार के संबंध से सुख चाहने लग गया है। इससे यही भूल हुई है। जबकि हमें संसार की तरफ न जा कर के भगवान की तरफ चलना चाहिए। आज तक बहुत उम्र चली गई है, बहुत समय चला गया है, अब भी जा रहा है। प्रभु को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान के नाम का जप करो रात दिन। संसार में उपकार करो, सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, जो शक्ति सामर्थ्य एवं योग्यता है उससे। ये संसार की चीज़ संसार को दे दो, यही मुक्ति है। आनंद हो गया, मौज हो गई। संसार शरीर मात्र संसार का है, और ये स्वयं मात्र परमात्मा का। शरीर संसार को सौंप दे और अपने आप को, स्वयं को परमात्मा को सौंप दे तो सब ठीक हो जाएगा। मुक्ति सहज ही हो जाएगी। यही सरल और सुगम रास्ता है मुक्ति का। जय जय श्री राधे राधे।